हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अपन बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 100 to 1% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था DSSB में जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन के बारे में किए थे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुए हैं तो इसको भी आप ज़रूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना। चलिए बात करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्चूसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ऑप्शन ए वेक्टर ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन सी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी आपका फिको ओरल रूट। तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा आपका पर्चूसिस फैलता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट है, DSSB में भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर आपके RRB में भी पूछा गया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पर्चूसिस तो क्या रहेगा आपका? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों, एक बार इसको शेयर ज़रूर करना। चलिए आगे बात करते हैं अपन। टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मोंटेक टेस्ट। मोंटेक टेस्ट में आपका कितना टाइम लगता है? क्या 24 से 48 ओवर, क्या आपका 48 से 72 ओवर्स, क्या 10 से 12 ओवर्स, क्या 2 से 4 ओवर्स आपके लगते हैं? तो आपके 48 से 72 ओवर्स लगेंगे मोंटेक टेस्ट को मेजर करने के लिए। टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर द मोंटेक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 48 से 72 ओवर्स आपके मोंटेक टेस्ट में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सी है आपकी? क्या BCG है, क्या टैब है, क्या साल्क है, क्या सेबिन है? तो सेबिन इज द ओरल पोलियो वैक्सीन। इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों पूरा का पूरा कंटेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, सेबिन इज द ओरल पोलियो वैक्सीन। फोर्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग एक्सेप्ट, जो कि आपके देखो फॉलोइंग सभी के सभी इनमें से फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन में से जो कि स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस हैं और एक ड्रग को छोड़ के एक्सेप्ट, एक ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, कौन सी नहीं है आपकी? क्लोरोमाइसिन, ये एक स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग नहीं है, क्लोरोमाइसिन इज़ द राइट आंसर। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, INAH हो गया और पास इज़ द स्टैंडर्ड ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है आपके RRB में। इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है? DPT, BCG, टैब या ECG? तो आपका DPT डिप्थीरिया पर्चूसिस टेटनस इज द ट्रिपल एंटीजन। अगला क्वेश्चन है आपका, द टाइम इंटरवेल बिटवीन इन्फेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड पर्सन एंड द अपियरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। देखो द टाइम इंटरवेल बिटवीन, ये इंटरवेल होता है किसके बीच में? इन बिटवीन इन्फेक्शन टू सस्पेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्शन होता है सस्पेक्टेड पर्सन में, द अपियरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जो उसके साइन सिम्टम्स, देखो आपका इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो गए हैं पर्सन से और उसके बाद में साइन एंड सिम्टम्स कब अपीयर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? क्या क्वारंटाइन बोलेंगे, क्या रिकवरी पीरियड बोलेंगे, क्या इंक्यूबेशन बोलेंगे उस डिजीज़ का, या आइसोलेशन पीरियड बोलेंगे? तो अपन उस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलेंगे। देखो द डिजीज़ इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, उस डिजीज़ को अपन इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाएगा क्योंकि वो इस, देखो एक डिजीज़ होगी ये इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, तो वो साइन सिम्टम अपीयर होने तक वो आपका क्या रहेगा? इंक्यूबेशन, वो जो सारे के सारे पीरियड टाइम आएगा आपका इंक्यूबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग आएगा। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, हर एग्जाम में ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी का रूट कौन सा है? ओरल या पोटेंशियल या फिको ओरल या कंटामिनेटेड वाटर। तो इसका पोटेंशियल रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ध्यान रखना, ना तो इसका ओरल है, ना फिको ओरल है, ना कि कंटामिनेटेड वाटर है। अगला है आपका 8th क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टाइफाइड फीवर का? क्या इंट्रावेनस है, क्या ओरल
फेशियल है, ओरोफेशियल है या रेस्पिरेटरी है या ड्रॉपलेट है, तो ओरोफेशियल आपका टाइफॉइड फीवर का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ध्यान रखना। टाइफॉइड फीवर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, माइकोबैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस है या कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है या स्टेफाइलोकोकस है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया, क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स, तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा मिजल्स का 7th से 14th डे इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स। डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी 2015-2019 में जो भी आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। काफ़ी बार एग्ज़ाम पुटअप होते हैं, जो पिछली बार पूछे गए थे वो पूछे जा सकते हैं, तो इनको अपन डील करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। हो गया आपका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स का कितना रहता है, 7th से 14th डे इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आरआरबी में। साइट ऑफ मॉन्टेस्ट, साइट फॉर मॉन्टेस्ट टेस्ट, मॉन्टेस्ट टेस्ट की कौन सी साइट होती है, किसके द्वारा मॉन्टेस्ट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्या आउटर टू अपर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, क्या डेल्टॉइड रीजन से, पोस्टीरियर लेफ्ट फोरआर्म से, क्या एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म से, तो आपका ऑप्शन डी राइट रहने वाला है। साइट फॉर मॉन्टेस्ट टेस्ट, मॉन्टेस्ट टेस्ट आपका एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म से मेजर किया जाता है, लिया जाता है। साइट फॉर मॉन्टेस्ट टेस्ट की कौन सी रहेगी, एंटीरियर लेफ्ट फोरआर्म, ध्यान रखना। मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई बोल सकते हैं, मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप का हो ट्यूबरकल बेसिलाई है, जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, क्या वाटर रहेगा, क्या एयर रहेगी, क्या फूड रहेगा, तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, मिल्क इज़ द मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बोविन टाइप ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई, इंपॉर्टेंट है। पेनफुल मिक्चुरेशन क्या होता है, एन्यूरिसिस होता है, डिस्यूरिया होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, डायरिया होता है, तो सभी को पता है पेनफुल मिक्चुरेशन आपका डिस्यूरिया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, पेनफुल मिक्चुरेशन डिस्यूरिया। 14th क्वेश्चन है आपका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवाक्वेंट एनीमा इन अडल्ट्स, देखो अडल्ट के अंदर पूछा गया है आपकी इवाक्वेंट एनीमा का अमाउंट कितना होता है एडल्ट्स के अंदर, तो कितना होता है आपके 500 से 1000 ml इवाक्वेंट का होता है आपके एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml, वही आपके बच्चों के अंदर होता है 100 ml, मतलब चिल्ड्रन के अंदर 100 ml होता है और एडल्ट्स के अंदर 500 से 1000 ml का होता है, 500 से 1000 ml आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड फॉर इवाक्वेंट एनीमा के लिए एडल्ट्स में इवाक्वेंट एनीमा की मात्रा कितनी रहती है, 500 से 1000 ml। ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन, कौन सी ड्रग यूज की जाती है पेन को रिलीव करने के लिए, क्या एंटी इन्फ्लामेटरी, क्या एंटी पायरेटिक्स, क्या एंटी बायोटिक्स, क्या एनाल्जेसिक्स, सभी को पता है एनाल्जेसिक्स को यूज में लिया जाता है पेन रिलीव के लिए, ड्रग यूज टू रिलीव पेन एनाल्जेसिक्स, इंपॉर्टेंट है। पायरेटिक्स नहीं ली जाती हैं क्योंकि वो फीवर्स के लिए ली जाती हैं, ये तो इंफ्लामेशन के लिए ली जाती हैं, ये एंटीबायोटीरियल हैं, एंटीबायोटिक, तो ध्यान रखना एनाल्जेसिक इज द ड्रग यूज टू रिलीव पेन। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस, हार्मोन कौन से सिक्रेटेड होते हैं टेस्टिस से, क्या एस्ट्रोजन, क्या पिटोसिन, क्या एंड्रोजन, क्या प्रोजेस्ट्रॉन, तो आपका एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं वो आपके टेस्टिस से सिक्रेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17, 1 teaspoon कंटेंस कितने ml आपका, 1 teaspoon आपका कितने ml का होता है, 2 ml, 5 ml, 10 ml या 15 ml, तो ध्यान रखना आपका टीस्पून 5 ml का होता है आपके टीस्पून। इसका एक ट्रिक है, अब कभी नहीं भूल पाओगे ये टी स्पून और टेबल स्पून के बारे में। देखो टी किस में होती हैं, टी मतलब चाय किस में पीते हो, कप में पीते हो ना, तो कप क्या रहता है, छोटा रहता है, तो कप में आपकी 5 ml आएगी चाय, देख लो कप छोटा रहता है ना, टी मतलब आपकी
चाय होगी, चाय का कप कैसे रहता, छोटा ही तो रहता है। और टेबल, टेबल स्पून के बारे में बात करेंगे, टेबल स्पून, टेबल कैसी रहती हैं, बड़ी रहती हैं, तो टेबल स्पून बड़ी हैं तो इसकी मात्रा भी क्या आएगी आपके, बड़ी आएगी, तो 15 ml आपके टेबल स्पून में होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछे जाते हैं। 1 teaspoon कंटेंस 5 ml और टेबल स्पून आपका रहेगा 15 ml, ध्यान रखना टेबल क्या रहती है, बड़ी रहती है, तो इसकी मात्रा भी टेबल स्पून की बड़ी रहेगी, तो इसका 15 ml होता है टेबल स्पून का, और टी स्पून का रहेगा आपके 5 ml, तो बी इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, 1 ml कंटेंस ड्रॉप्स, 1 ml कितने ड्रॉप्स कंटेन करके रखता है, तो आपके सभी को पता है ड्रॉप्स फैक्टर में आप पढ़ते हो, उसमें 15 ml 15 ड्रॉप्स आपके 1 ml के बराबर होती हैं। 1 ml कंटेंस 15 ड्रॉप्स, 15 ड्रॉप्स, सी इज द राइट आंसर। अगला 19 क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ ए न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी का एवरेज वेट कितना होता है 3 kg का, सभी को पता है एवरेज वेट न्यू बोर्न बेबी का 3 kg होता है, ध्यान रखना, और एक साल में ये हो जाएगा आपका 3 गुना, तो 9 kg एक साल में इसका वेट होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल न्यू बोर्न बेबी का वेट कितना होता है, एवरेज उसका होता है 3 kg। 20 क्वेश्चन है, हाउ मच साल्ट मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ वाटर, 1 liter वाटर में साल्ट कितना ऐड किया जाएगा टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सेलाइन, जो कि एक नॉर्मल सेलाइन बन जाए, तो 2 grams, 5 grams, 6 grams और 9 grams, तो आपका 9 grams साल्ट को ऐड करके आपका एक सॉल्यूशन बनेगा, उसको आप बोलोगे नॉर्मल सेलाइन, तो 9 ग्राम साल्ट को ऐड करके एक सॉल्यूशन बनेगा जिसको बोलेंगे नॉर्मल सेलाइन, NS उसको बोलेंगे। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 है, नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द सहक्रम, सहक्रम में वर्टिब्रा कितने रहते हैं, तो नंबर बताने हैं आपको, तो 5 vertebra इज द सहक्रम, सहक्रम के कितने होते हैं वर्टिब्रा, 5 vertebra होते हैं, ध्यान रखना सहक्रम होते हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल, सेल के अंदर क्रोमोजोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं, सभी को पता है 46 इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल के अंदर 46 होते हैं, तो ये 1 pair कितने होते हैं, मतलब बोल सकते हैं 23 XY होते हैं, सभी के अंदर XY तो होते हैं 23 होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, तो वो आपके 46 मतलब 23 जोड़ी आपके 2 गुना तो होगा, तो 46 से याद रखना, ध्यान रखना ये जोड़ी में भी पूछा जा सकता है और नंबर में भी पूछा जा सकता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए सेल। अगला क्वेश्चन है 23, ए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ, ए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट का बोल रहे हैं अकर्स, वो किसके कारण होता है ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ, तो फॉर्मन ऑयल के कारण, डक्टस आर्टेरियोसस के कारण, या डक्टस वेनोसस के कारण, या मिट्रल वॉल्व के कारण, तो फोरामेन ओवेल के कारण आपका फोरामेन होता है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो फोरामेन ओवेल के कारण ए आर्टेरियल, ये पूरा का है आर्टेरियल, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट किसके कारण होता है, आर्टेरियल आपके कौन से होता है, लेफ्ट एरोटा और राइट एरोटा होता है ना, या बोल सकते हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होता है, इनके बीच में आपका कौन सा होता है फोरामेन ओवेल होता है, वो आपके आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट का कारण है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका हार्ट हो गया, ये देखो ये आपका हार्ट हो गया, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में ये आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है आपके लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, तो एट्रियम एट्रियम के बीच में आपका कौन सा होता है सेप्टल डिफेक्ट होता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, यहाँ पे कौन सा होगा फोरामेन ओवेल होगा, ध्यान रखना ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, तो आपका राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ फोरामेन ओवेल, मतलब फोरामेन ओवेल आपके क्लोज नहीं होता है, ध्यान रखना, तो उसका परसिस्टेंट क्लोज ना होने के कारण आपका आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट अगर हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे अपन बात करते हैं 24, इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, बी और सी, सभी को पता है बी और सी इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो आपका आंसर रहेगा सी, तो विटामिन बी इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है बी और सी, सभी को मालूम होगा या नहीं मालूम है, तो एक ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे विटामिन अपन याद कर लेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। देखो एक कीड़ा होता है, मान लियो एक कीड़ा ले लिया अपन ने, के ई
डी ए, ये आपका कीड़ा है ना, के ई डी ए कीड़ा होता है, कीड़ा, इसको अपन ने वाटर में डाल दिया, कीड़े को वाटर में डाल दिया, क्या वो घुल जाएगा? कीड़ा क्या वाटर में घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा ना, वाटर में नहीं घुलेगा, कि वो तो मर जाएगा लेकिन उसके अंदर वाटर में उसको वो नहीं घुल पाएगा। क्योंकि नहीं घुलेगा, क्योंकि कीड़ा तो उसका एक हार्ड सरफेस होती है, इसलिए वो नहीं घुलेगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। तो ये कौन से हैं कीड़ा से आपका? के ई डी ए, तो आपके के ई डी से क्या हो गया? के से आपका विटामिन के हो गया, विटामिन ई हो गया, ई से डी से आपका कौन सा हो गया? विटामिन डी, और ए से कौन सा हो गया? आपका विटामिन ए हो गया। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हैं? नहीं वाटर में नहीं घुले तो कौन से होंगे? वाटर में नहीं घुले तो फैट सॉल्युबल होंगे, क्योंकि अगर फैट को आप वाटर में डालोगे तो वो आपके पानी के ऊपर ऊपर ही सरफेस पे रहेंगे। तो कीड़ा इस दार आपका विटामिन कौन से सोल्यूबल्स होंगे? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। तो बच्चे कौन से? बी और सी बच्चे, तो आपके वो रहेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो याद रखना आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? बी और सी इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आगे बात करते हैं 25 क्विकनिंग मीन्स। क्विकनिंग का मीन्स क्या होता है? क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? देखो एक ऐसी प्रोसेस जो 16 वीक पे स्टार्ट होती हैं, मतलब बोल सकते हैं 16 वीक पे, कभी कभी मल्टी पैरा में आपको 18 वीक में भी देखने को मिलती हैं, 20 वीक में भी देखने को मिलती हैं, मतलब प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं उसको 16 वीक पे फेल्ट होती हैं, ये क्विकनिंग। तो क्विकनिंग एक प्रोसेस होती है जो माँ को या मदर को एक मोमेंट्स का एहसास होता है, या आप बोल सकते हो एक किक होती हैं बच्चे के द्वारा जो माँ के सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस पे या इंटीरियर एब्डोमेन पे लगाई जाती हैं। तो देखो मैंने ये इसको बता दिया क्विकनिंग मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, हियरिंग ऑफ द फेटल हर्ट साउंड, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, सडन कैसेशन ऑफ मेंचुरेशन नहीं है, और द मोमेंट ऑफ द फिटस इन द यूटेरस फेल्ट बाई मदर, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन अपन को सारे के सारे पढ़ने हैं, नोजी एंड वॉमिटिंग इन द मॉर्निंग, नहीं ये तो आपके वो साइंस होंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर, द मोमेंट ऑफ द फेटस इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर फेटस का मोमेंट जो फील करती हैं मदर, फेल्ट बाई द मदर, मदर के द्वारा फेल्ट किया जाता है, मदर के द्वारा फील किया जाता है, वो आपकी क्विकनिंग प्रोसेस रहेगी। क्विकनिंग से आप रखना किक याद रखना, तो वो आपकी 16 वीक पे होगी प्राइमरी ग्रेविडा में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 26, कोलेरा इज कोज बाय ए काइंड ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड, कोलेरा किसके कारण होता है, जो उस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलेंगे? तो बैक्टीरिया का नाम बताना है, पॉजिटिव एजेंट पूछा गया है कोलेरा का, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा? तो विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा इसके नाम में ही छुपा है, इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कोलेरा। देखो कोलेरा इज कोज बाय ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया, कोलेरा एक किसके कारण होता है? एक बैक्टीरिया, काइंड ऑफ बैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया से होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? कोल्ड को होगा आपका विब्रियो कोलेरा इज द राइट आंसर। विब्रियो कोलेरा इज कोज बाई, ये कोलेरा तो बोलते हैं, कोज बाई बैक्टीरिया, एकोजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरिया कोलेरा, विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया होता है जो कोलेरा का मोस्ट पॉजिटिव एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है 27, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल विल सेवरली इफेक्ट्स द, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, लगातार आप एल्कोहल का ड्रिंक करते रहोगे तो वो आपके कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा? तो आपके लिवर्स को सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट करेगा एल्कोहल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके आरआरबी में। द डिजीज इन विच द पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजिली इज, कौन सी डिजीज में आपके ब्लड में क्लॉट्स नहीं बनता है? तो सभी को बताएं हीमोफीलिया से आपके बॉडी में ब्लड में क्लॉट नहीं बनेगा, जिसके कारण ब्लीडिंग होती रहेगी, ध्यान रखना। द डिजीज इन विच द पेशेंट्स ब्लड क्लॉट्स, ब्लड डज नॉट क्लॉट ईजिली, देखो कितना घुमा फिरा के पूछा गया था आपके आरआरबी में। तो हीमोफीलिया में ब्लड में आपके क्लॉट नहीं बनता है, ध्यान रखना, ब्लड में क्लॉट नहीं बनना वो क्या कहलाएगा? हीमोफीलिया, क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी भी हीमोफीलिया ही तो है, तो वो हीमोफीलिया होगा। अगला क्वेश्चन है 29, डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज कोज बाय ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड, डिसकलरेशन ऑफ टीथ इज कोज बाय ए काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉल्ड, आपके देखो डिसकलरेशन होना टीथ का वो एक एंटीबायोटिक्स के कारण होता है, उसको क्या बोलेंगे? कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे?
तो आपकी होगी टेट्रासाइक्लिन से आपके क्या होंगे टीथ डिसकलरेशन ऑफ टीथ। ये क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जिसके कारण आपके टीथ का कलर कैसा होगा, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। ध्यान रखना डिसकलरेशन ऑफ टीथ किसके कारण होता है, टेट्रासाइक्लिन के कारण, जो कि एक एंटीबायोटिक होती हैं टेट्रासाइक्लिन। अगला है 30 क्वेश्चन इज कोज बाय द फंगस। ये देखो सारी की सारी जो आपके दी गई हैं ये सारी की सारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं, वो ऐसी कौन सी बीमारी हैं जो फंगस के कारण होती हैं। देखो फंगस के कारण कौन सी बीमारी होगी, मलेरिया होगा क्या, नहीं होगा, क्या फाइलेरियासिस होगा, नहीं होगा, क्या टाइफाइड फीवर होगा, नहीं होगा, तो कौन सा होगा आपका, एथलेट्स फुट इज कोज बाय द फंगस। जो एथलेट्स फुट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, फंगस के द्वारा। मलेरिया तो सभी को पता, वो मच्छर के द्वारा होते हैं, फाइलेरियासिस भी मच्छर के द्वारा होता है, टाइफाइड फीवर भी मच्छर के द्वारा होते हैं, ध्यान रखना। द फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय तो क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो के द्वारा फाइलेरियासिस का मोस्ट ट्रांसमिटेड या बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन रूट होता है क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर होता है उसके द्वारा क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो का बोला है यहाँ पे, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। आगे है 32 द ब्लड ग्रुप कंटेन नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडी, सॉरी द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीबॉडीज नहीं रहती हैं, तो सभी को पता है ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, यूनिवर्सल उसको रेसिपिएंट भी बोला जा सकता है, तो द ब्लड ग्रुप कंटेन नो एंटीबॉडीज ए बी। द डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऐसी कौन सी डिजीज होती हैं जो स्प्रेड किसके द्वारा होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, लेप्रोसी, एड्स या इचेस बोल सकते हैं, या इसके बीच होती हैं, तो एड्स ये क्या होती हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये स्प्रेड होती हैं, जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट कौन सा रहेगा, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन है 34 डियर फ्रेंड्स टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू, टाइफॉइड फीवर किसके ट्रांसमिटेड के द्वारा होता है, टाइफॉइड वाटर और फूड के द्वारा टाइफॉइड ट्रांसमिटेड होता है, टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर और फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा टाइफॉइड होता है। 35 इज एग्जाम्पल फॉर द डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया, ऐसी डिजीज का एग्जाम्पल दीजिए जो कि बैक्टीरिया के कारण होती हैं, क्या कोल्ड, टाइफॉइड या टाइफस फीवर या चिकन पॉक्स। टाइफस फीवर अलग है, टाइफॉइड अलग है, जो कि आपके टाइफॉइड कैसे होता है, वाटर और कंटामिनेटेड वाटर और फूड्स के द्वारा होता है। टाइफस फीवर अभी मैंने बताया था, फर्स्ट जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि वो मच्छर के द्वारा होते हैं, इज ए एग्जाम्पल फॉर द डिजीज कोज बाय द बैक्टीरिया, तो टाइफॉइड ये किसके कोज के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखना। फूड और वाटर तो वो रूट होते हैं, ट्रांसमिटेड इसके द्वारा होते हैं, लेकिन कारण उसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, ध्यान रखना। 36 इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज, ये कौन सी इम्यूनिटी रहेगी। देखो एक इम्यूनिटी होती है इज द इम्यूनिटी, या बोल सकते हैं कि एक्वाइर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिजीज, आपके अंदर पहली बार कोई डिजीज अटैक कर रही है तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी, आपकी एक्वाइर्ड इम्यूनिटी होगी, ध्यान रखना। डियर फ्रेंड्स प्लीज़ 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 इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। 37 क्वेश्चन द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर, ऐसी कौन सी सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के कारण, कौन सी सेल्स होगी, आपकी वाइट ब्लड सेल्स, WBC इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, बोल सकते हैं कि एक सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडीज को प्रोडक्ट करती हैं, द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स आर WBC, वाइट ब्लड सेल्स। 38 ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड और टाइम्स ए ईयर, तो एक ब्लड है, एक बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो अपने ब्लड्स को कितने टाइम तक या ईयर में वो डोनेट कर सकता है, तो 6 और 7 ईयर्स
क्या फिफ्थ और सिक्स ईयर, क्या थ्री और फोर ईयर्स, क्या टू और थ्री ईयर्स? तो सी इज़ द राइट आंसर, थ्री और फोर ईयर्स टाइम्स ए ईयर। ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड, वो तीन से चार साल में एक बार उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 39। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट हो गया आपका, एंड रेडियम आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कौन से डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए आपके रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का यूज लिया जाता है, कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के लिए? कोलेरा हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कैंसर हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। सभी को पता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट और रेडियम का यूज लिया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन, सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी अभी भी DSLB में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, आपके RRB में भी पूछा गया है ना क्वेश्चन, तभी तो मैं यहाँ के लेके आया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑन 7 अप्रैल, 12 मई को आपका हो जाएगा नर्स डे, इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है ना आपका 12 मई को। आगे बात करते हैं 41। टू रिलीव फ्रॉम डिस्फोनिया द एप्रोप्रिएट पोजिशन टू बी यूज इज, टू रिलीव फॉर डिस्पेनिया बोल सकते हो, डिस्फोनिया बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, द एप्रोप्रिएट पोजिशन टू बी यूज, डिस्पेनिया को रिलीव करने के लिए कौन सी पोजिशन यूज में ली जाती है? प्रोन पोजिशन, सुपाइन पोजिशन, साइड लाइन पोजिशन, फाउलर्स पोजिशन। डिस्पेनिया के पेशेंट को दी जाती है, डिस्पेनिया के पेशेंट को एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी दी जाएगी? डिस्पेनिया के पेशेंट को फाउलर पोजीशन। 42 क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन पर डे, प्रेग्नेंट वुमन्स के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे कितना होगा आपका? 55 ग्राम्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी या वुमन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन पर डे 55 ग्राम्स। द फंडस है यहाँ पे, फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्यूरिंग वीक प्रेगनेंसी। कौन से वीक पे आपका फंडस आपके अम्बिलिकस एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस पे आएगा, तो कौन से वीक पे आएगा? सभी को पता है 24 वीक पे आपका फंडस होगा जो अम्बिलिकस के लेवल पे आएगा। ध्यान रखना ये भी आपके DSSB में पूछा गया है, अभी पूछा गया DSS में, इससे पहले आपके RRB में पूछा गया था ना, इससे पहले RRB में पूछा गया था। ध्यान रखना द फंडस इज एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ड्यूरिंग 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 16 वीक पे आपका सभी को पता है सिम्पाइसिस पीयूबी से रहेगा, फिर 16 से आप बोल सकते हो 20 वीक्स पे कहाँ पे रहेगा वो अम्बिलिकस और फंडस के बीच में रहेगा, और 24 वीक पे आपके आ जाएगा अम्बिलिकस पे। ध्यान रखना टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, एक प्रेगनेंसी के दौरान टोटल वेट गेन कितना होगा? सभी को पता है 13 से 14 kg वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो 13 से 14 kg टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज 13 से 14 kg। द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ, देखो ट्रिबल तो मैंने अभी बताया था, बेबी का बर्थ वेट कितना होता है? 3 kg होता है। ट्रिबल कब होगा? वो 1 ईयर पे होगा ना, ट्रिबल कितना होगा? 9 होगा 1 ईयर पे, तो 1 से आधा कितना होता है? 1 से आधा 6 मंथ का होता है ना बेबी आपका, 6 मंथ्स पे ही तो होता है ना इसका आधा, क्योंकि ये तो ट्रिबल किस कितने मंथ पे हो रहा है, कितने मंथ में हो रहा है? 12th मंथ में, मतलब 1 ईयर पे आपका बेबी कितना होगा? 9 kg का होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि डबल कब होगा, तो डबल आपके 6 मंथ पे होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। ट्रिक बना के याद करो फ्रेंड्स ऐसी वैल्यूज, द बर्थ वेट ऑफ द बेबी डबल्स एट द एज ऑफ 6 मंथ। ये तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ध्यान में रखना।
इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम, इन्फेंसी पीरियड कितना होता है, कितने से कितने लगा कर, तो सभी को बताए हैं वन मंथ से वन ईयर तक का पीरियड कौन सा रहेगा आपका, इन्फेंसी पीरियड रहेगा या इन्फेंट पीरियड रहेगा। 47 द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आपके आरआरबी में पूछे गए थे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, 100 to 1% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन, क्योंकि यही तो क्वेश्चन है जो वापस रिपीट होते हैं और उनको आप में नहीं पढ़ के जाते हो, तो ध्यान में रखना। द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, पर डे अपन एक पेपर सॉल्यूशन आरआरबी का करेंगे। द फॉलोइंग आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट, कौन से साइंस आपके डिहाइड्रेशन से हैं एक्सेप्ट, एक ऐसा नहीं है, सनकन, टीयरलेस आइज, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डायूरेसिस और डिफ्रेस्ड फोंटानेल्स, तो कौन सा है, डायूरेसिस आपका डिहाइड्रेशन का साइंस सिम्टम नहीं है, तो अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसकी आइज कैसी रहेगी, सनकन टीयरलेस आइज रहेगी, या बोल सकते हो ड्राई आइज रहेगी, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी रहेगी और डिफ्रेस्ड फोंटानेल्स इज द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। ये सारे के सारे साइंस किसके हैं, डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट डायूरेसिस, यही क्वेश्चन पूछा गया, तो अपना सी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट, ORS के कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, सभी को पता है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ के सभी के सभी, सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये ORS के आपके कंटेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। तो कैल्शियम आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपके ORS का कंटेंट नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट, सोडियम क्लोराइड है आपका, शुगर है और पोटेशियम क्लोराइड है, इसको छोड़ के कौन सा नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका 49, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन आर द फॉलोइंग, कौन कौन से माल न्यूट्रिशन के टाइप होते हैं एक्सेप्ट छोड़ के, तो बेरी बेरी सभी को पता है, ये किसके कारण होता है, थायमिन, विटामिन बी के कारण होता है, थायमिन डेफिशिएंसी के कारण बेरी बेरी होता है, जो आइज का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट बोल सकते हैं कि बेरी बेरी किसके कारण होता है, थायमिन के डेफिशिएंसी के कारण होता है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण बेरी बेरी होता है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PAM, ये क्या रहेगा आपका, माल न्यूट्रिशन रहेगा, एक प्रकार का मेरास्मस भी आपका एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है जिसके कारण एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, और आपका क्वासी ऑर्कर भी एक प्रकार का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मतलब माल न्यूट्रिशन एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी एनर्जी और प्रोटीन्स की भी डेफिशिएंसी रहती हैं जो क्वासी वर्कर का कारण है, तो ये तीनों ही रहती हैं, PAM हो गया मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मेरास्मस और क्वासी वर्कर, ये सारे के सारे माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना घुमा फिरा के पूछा गया, फॉर्म ऑफ द माल न्यूट्रिशन पूछा गया था KRRB में। क्वेश्चन है 50, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स शुड बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट कोर्स आपके ओरल पिल्स का कब स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो कौन से दिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओरल पिल्स का फर्स्ट कोर्स अपन कब से स्टार्ट करेंगे, तो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आपका द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल पिल्स स्टार्ट करेंगे, OCP स्टार्ट करेंगे कितने डेज पे, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ध्यान रखना। 7th डे पे ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग से दो दिन पहले मतलब 5th डे पे आप क्या करोगे, ओरल पिल्स को फर्स्ट कोर्स का स्टार्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है आपका 51, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, ये देख लो क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है ना, एक्सेप्ट, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो आपके नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के हैं, लेकिन एक नहीं है एक्सेप्ट छोड़ के, फॉर्म टेबलेट्स है क्या, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर है क्या, रिदम मेथड है क्या, सेफ पीरियड है क्या, तो फॉर्म टेबलेट्स, द फॉलोइंग आर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, तो फॉर्म टेबलेट होगा आपका, बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर, रिदम मेथड और सेफ पीरियड आपके नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, लेकिन फॉर्म टेबलेट्स नहीं है, ये बोल सकते हो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। अगला है 52, इज द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड कौन सा होगा आपका, ट्यूबेक्टोमी, ये स्टरलाइजेशन वो वाला इन्फेक्टेड वाला नहीं है स्टरलाइजेशन, ये एक आपके बोल सकते हैं
बर्थिंग प्रोसेस को रोकने के लिए, बर्थिंग प्रोसेस को रोकने के लिए प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। इसमें आपकी जैसे कि ट्यूबेक्टोमी कर देंगे, ट्यूब्स को हटाना, ट्यूबेक्टोमी ट्यूब्स को काटना, तो वो कौन सी रहेगी आपकी स्टरलाइजेशन रहेगी। ये क्या होता है, परमानेंट मेथड रहता है स्टरलाइजेशन का। यह बोल सकते हो कि इससे एक मदर माँ नहीं बन सकती या एक लेडी माँ नहीं बन सकती हैं। ये परमानेंट मेथड्स होता है आपके कॉन्ट्रासेप्शन का स्टरलाइजेशन के लिए। ट्यूबेक्टोमी इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 53। द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी एक्सेप्ट। एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स सिचुएटेड रहते हैं एक को छोड़ के, स्टोमक, इसोफेगस, लीवर और स्प्लीन। तो सभी को पता है इसोफेगस तो आपके गले में होता है, तो स्टोमक आपके एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, लीवर भी एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और स्प्लीन भी आपके एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। तो इसोफेगस एक बोल सकते हो आपके इसोफेजियल ऑर्गन्स आपके एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आता है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द सिस्टम ऑफ बॉडी विच हेल्प्स फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। द सिस्टम ऑफ बॉडी से बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, विच जो, विच का मतलब जो, हेल्प्स फॉर द रिमूवल ऑफ, जो हेल्प्स करता है वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। जो बॉडी का वेस्ट मैटर होता है उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होती है बॉडी का, उसको क्या बोलेंगे, या एक सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे। तो रिमूव करना कौन क्या रहेगा, एक्सिट करना, तो आपका एक्सीलेटरी सिस्टम रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी को बचाने का काम करता है, एंडोक्राइन आपके हार्मोन्स हो गए हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम O2 CO2 को एक्सहेल और इनहेल करने के लिए काम में आती हैं। तो एक्सीलेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी विच हेल्प्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मैटर फ्रॉम बॉडी, सभी को पता है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, 206। ये भी पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। इरप्शन, अगर डियर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आगे बात करते हैं अपन। इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, टीथ का इरप्शन होना है, टीथ का अपन बोल सकते हैं कि टीथ कितने एज पीरियड में स्टार्ट होते हैं, तो 6 मंथ पे आपके टीथ आने लगते हैं, ध्यान रखना। इरप्शन ऑफ टीथ स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है 57। द नर्व, ये नेवर नहीं है, आपका नर्व है, NERV, नर्व, द नर्व विच कैरी, जो कैरी करती है मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन से, जो मैसेज करती है ब्रेन से कहाँ से, स्पाइनल कोर तक, स्पाइनल कोर्स की मसल्स और ग्लैंड्स तक करती हैं, वो आपका कौन सा रहेगा, कौन सी नर्व रहेगी जो आपकी कौन क्या करती हैं, कैरी करती हैं मैसेज ब्रेन से लेके स्पाइनल कोर्स मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं, तो वो क्या रहेगी, तो मोटर नर्व होती हैं। तो मोटर नर्व इज द नर्व विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से मैसेज करती हैं एंड स्पाइनल कोर्ड मसल्स एंड ग्लैंड से सारे के सारे मैसेज क्या करती है, कैरी करती हैं, और मतलब बोल सकते हैं कि मोटर नर्व उल्टी रहती है और सेंसरी नर्व सीधी रहती है, मतलब डायरेक्ट आपके सेंसरी नर्व आपके माइंड्स पे रहती है और ये आपके ऑर्गन्स पे रहती है, ध्यान रखना। द नर्व विच कैरीज मैसेजेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मसल्स एंड ग्लैंड्स। देखो ब्रेन स्पाइनल कोड एंड मसल्स से जो भी सिग्नल्स आते हैं वो कौन सी मसल करती हैं, मोटर नर्व, जो कि आपके ऑर्गन्स पर रहेगी, ऑर्गन्स पे रहेगी, कौन सी रहेगी, सेंसरी नर्व, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो मोटर नर्व इज द नर्व विच कैरीज मैसेजेज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मसल्स एंड ग्लैंड्स। 58 है, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन, ये देखो ये भी क्वेश्चन पुटअप हो गया ना, स्पीच सेंटर इज सिचुएटेड इन, काफ़ी बार गलत होता है तो ध्यान रखना, स्पीच सेंटर कहाँ पे रहता है, पैराइटल लोब पे स्पीच सेंटर सिचुएटेड रहता है। 59 है क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर, लीवर ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द
बॉडी तो लीवर, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 60, हेड कंट्रोल ऑफ द इन्फेंट अकर्स एट द एज ऑफ, हेड कंट्रोल आपके इन्फेंट्स पे कितना रहता है, फिफ्थ एज पे आपका हेड कंट्रोल होने लगता है इन्फेंट का, वरना इससे पहले आपका अगर आप बेबी को उठाओगे, ये आपका बेबी हो गया, सपोज दैट ये आपका बेबी हो गया, इसको आप ये इसका पूरी की पूरी बॉडी हो गई, ये एक्सट्रीमिटीज हो गई, इसको ये इसका हेड है, ये इसका हेड हो गया ना, अब आप इसको उठाओगे 5 मंथ से पहले आप इसको उठाओगे, मान लो 4th मंथ पे आप इसको उठा रहे हो, हेयर हैंड्स पे आप किसी प्रकार का मतलब हैंड से आप किसी प्रकार का हेड पे कोई सपोर्ट नहीं लगा रहे हो, तो इसका हेड या तो आगे की ओर होगा या पीछे की ओर होगा, तो वो कंट्रोल नहीं रहता है, टेम्पररी रहता है, तो 3 मंथ्स पे आपका बच्चा रहेगा, उसका हेड कंट्रोल नहीं रह पाएगा और 5 मंथ तक आते आते वो अपने हेड को कंट्रोल करने लगेगा, तो 5 मंथ ऑप्शन सी आपका राइट होगा, द हेड कंट्रोल ऑफ द इन्फेंट अकर्स एट द एज ऑफ 5 मंथ। आपका 60 क्वेश्चन हो गया कि हेड बच्चे का हेड कंट्रोल आपके 5th मंथ पे होना स्टार्ट हो जाता है, 5th मंथ पे आपका बच्चे का हेड कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 61, परपेरियम इज द पीरियड बिगेंस, परपेरियम का पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कितना होता है, एज सून एज द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होते ही परपेरियम का पीरियड स्टार्ट हो जाता है एंड लास्ट फॉर 6 से 8 वीक, अपन बोल सकते हैं 6 to 8 वीक पे आपका पीरियड स्टार्ट होता है परपेरियम प्लेसेंटा के एक्सपेल्ड होने से लेके आपका 6 से 8 वीक तक रहता है, मतलब 42 डेज तक आपका ये रहेगा परपेरियम, फिर डेज भी पूछा जा सकता है, 42 डेज परपेरियम का पीरियड रहेगा। आगे बात करते हैं 62, अगला क्वेश्चन है 62, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट, इट इज नाउन एज, जब एक अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे रहती हैं, फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट के फ्रंट में रहती हैं एंड द मेम्ब्रेन्स कैसी रहती हैं, इंटैक्ट रहती हैं, ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, कॉर्ड प्रोलैप्स कहलाएगी या कॉर्ड प्रेजेंटेशन कहलाएगी, ऑप्शन सी है कॉर्ड पल्सेशन कहलाएगा या ऑप्शन डी रहेगा आपका कॉर्ड डिलीवरी, तो आपका कॉर्ड प्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर। देखो, व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड लाइज इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट इट इज नाउन एज कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। 63 है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपके ओव्यूलेशन, ये तो आपके ओव्यूलेशन 16 डे पे होता है, ये तो 14 डे होता है माना जाता है, 14 डे 16 डे से पीरियड होता है, तो 14 डे आपका क्या रहेगा, ओव्यूलेशन का पीरियड रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये तो स्टार्ट होने के कितने दिन हो गए हैं, 14 डे तक हो गए हैं ना, तो ओव्यूलेशन ये तो नहीं हो सकता है, ये तो आंसर आपका राइट नहीं जाएगा, गलत रहेगा, तो मेंचुरेशन, तो मेंचुरेशन को ही तो पूछा है कि आपकी मेंचुरेशन साइकिल कब से स्टार्ट होती हैं, ये भी तो नहीं रहेगा, तो क्या मेनोपेज रहेगा, ये तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपकी मेनार्की एक एज का टाइम पीरियड होता है जहाँ से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके इससे क्लियर हो गए, ओव्यूलेशन का हो गया, मेंचुरेशन का हो गया, मेनार्की का हो गया और मेनोपोज से हो गया, मेनोपोज क्या होता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगला क्वेश्चन है 64, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है, 20 से 40 mg% होता है ना, 20 से 40 mg आपका नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल होता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को अपन एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगर डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। आगे बात करते हैं अपन, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट येल्स, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होती हैं, वो क्या कैलोरीज करके रखता है, कितनी कैलोरीज करके कैरी करके रखता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसको CHO भी बोला जाता है, CHO 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रह गया तो वो कितनी कैलोरीज गेन करेगा, 4 कैलोरीज या बोल सकते हैं 4 कैलोरीज ये गेन करके रखेगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 65 है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट येल्स 4 कैलोरीज। अगला क्वेश्चन है 66, ए मेथड ऑफ मेकिंग द विक्टिम फॉर बर्थ पैसिवली, एक मेथड ऑफ मेकिंग, एक ऐसा मेथड बनाया जाता है द विक्टिम टू बर्थ पैसिवली,
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन या डीप ब्रीथिंग या स्मॉल ब्रीथिंग। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ए मेथड ऑफ मेकिंग द विक्टिम टू ब्रीथ पैसिवली, एक ऐसा मेथड जो एक विक्टिम ब्रीथ कैसे लेता है पैसिवली, मतलब किसी की मदद से ब्रीथ अपना रेस्पिरेशन लेता है, तो वो आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होगा। अगला क्वेश्चन है 67 मिनट दिस वॉल्ड ब्लड वेसल्स बिटवीन द एंड्स ऑफ आर्टरीज एंड बिगनिंग ऑफ वेन इज कॉल्ड। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपन को बस इतना ध्यान रखना, देखो आर्टरीज जहाँ से एंड होती है और बिगनिंग ऑफ वेन्स और वेन्स जहाँ से स्टार्ट होती हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे। तो इसको अपन याद करते हैं, जो आपका एरोटा हो गया ये हार्ट से आ रहा है, ये एरोटा हो गया आपका। एरोटा से क्या निकलती हैं, ये सारी की सारी आर्टरीज निकल रही हैं एरोटा से। फिर आर्टरीज के बाद में क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। यहाँ से कैपिलरीज है, ये सारी की सारी कैपिलरीज हैं, ये सारी की सारी कैपिलरीज हैं। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके कि एंड्स ऑफ आर्टरीज, देखो एंड्स ऑफ आर्टरीज ये आर्टरी का एंड होगा। आर्टरी के एंड होने के बाद में क्या रहेगी, यहाँ पे कैपिलरी रह रही है ना, कैपिलरी रह रही है, और यहाँ से कौन सी स्टार्ट होगी, वेन्यूल्स हो गई। कैपिलरी के बाद में वेन्यूल्स, फिर वेन्यूल्स के बाद में रहेगी आपकी वैन, फिर वैन से आपकी रहेगी वेना के, वो जो आपके राइट एट्रियम में आके मिलेगी। तो आर्टरी के एंड और वेन्स के स्टार्ट होने के बीच के प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरी। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कैपिलरीज। मिनट दिस वॉल्ड ब्लड वेसल्स बिटवीन द एंड्स ऑफ आर्टरीज एंड बिगनिंग ऑफ वेन इज कॉल्ड। ये देखो क्वेश्चन आते हुए भी अपन गलत कर पाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, कैपिलरीज। अगला क्वेश्चन है 68 ए वेस्ट गैस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड एक्सहेल्ड थ्रू द लंग्स। एक वेस्ट गैस होती हैं जो प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, बॉडी जो प्रोड्यूस करती हैं ऐसी गैस जो एंड एक्सहेल्ड थ्रू द लंग, और लंग्स के द्वारा एक्सहेल्ड की जाती हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता है लंग्स के द्वारा एक्सहेल्ड की जाती है, बॉडी के द्वारा एक्सहेल्ड की जाती हैं, तो वो आपकी रहेगी CO2। ध्यान रखना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 जो तो इनहेल की जाती हैं, एक्सहेल्ड आपकी CO2 होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 69 ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय मूविंग ऑफ बोन्स आउट जॉइंट। देखो ये कंडीशन, ये जो कंडीशन होगी उसका करेक्टर बता रहा है बाय मूविंग ऑफ बोन्स आउट जॉइंट। तो बोन्स क्या रहती हैं, जॉइंट से बाहर निकल जाती हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगी, डिसलोकेशन। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, ये देखो अपन को ध्यान क्या रखना है, या तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक कंडीशन करेक्टराइज बाय मूविंग ऑफ बोन्स, क्या हो रही है, बोन्स मूव हो रही हैं आउट जॉइंट से, मूव आउट जॉइंट या मूविंग ऑफ बोन्स आउट जॉइंट, जॉइंट से बोन क्या हो रही है, मूव हो रही हैं, बोन से हट रही हैं, तो वो प्रोसेस होगी आपकी डिसलोकेशन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, हर भी मैंने भी पूछ लिया ये क्वेश्चन। 70 है आपका ए ट्यूब ऑफ मस्कुलर टिश्यू कैरिंग इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टोमक। ए ट्यूब ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एक जो ट्यूब होती हैं जो मस्कुलर टिश्यू से बनी रहती हैं, वो कैरी करती हैं, जो इंजेस्ट करते हैं अपन फूड, इंजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ से स्टोमक तक, वो कौन सी रहेगी आपकी, इसोफेगस के द्वारा ही तो आपके माउथ से स्टोमक तक फूड इंजेस्ट किए जाते हैं, इसोफेगस रहेगा आपका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 71 ए रेड पिगमेंट इन द ब्लड, एक ब्लड के अंदर एक रेड पिगमेंट होता है विच कंबाइंस विद, जो कंबाइन रहता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर कैरिंग देम। तो हीमोग्लोबिन आपका रहता है, हीमोग्लोबिन हीम से भी तो जाना जाता है, हीम तो रहता है HEAM, हीम रहता है ना, हीम यही क्या करके कह देता है, ये रेड पिगमेंट होता है इन द ब्लड सेल्स के अंदर जो कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग देम हीमोग्लोबिन। 72 है इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सर्फर अबाउट हिज इलनेस। तो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द सर्फर अबाउट हिज इलनेस, खुद की इलनेस को सफ़र करने की प्रोसेस अपन बोल सकते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है सफ़र्स के द्वारा, इलनेस जो सफ़र कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो आपके क्या रहेंगे, सिम्टम रहेंगे। सिम्टम ही तो बताते हैं एक बीमारी का कारण या इलनेस का कारण, सिम्टम ही तो बताते हैं। 73
नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट्स, तो अडल्ट्स के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहती है, 16 ब्रीथ से आपकी रहेगी 20 ब्रीथ पर मिनट, यही तो है आपकी 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 है आपका द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, ये भी कुछ गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 75 करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड फ्लो ड्यू टू आर्टरियल ब्लीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड फ्लो का करेक्टरिस्टिक फॉलो ड्यू टू आर्टरियल ब्लीडिंग इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट, को छोड़ के क्या रहेगा, ब्राइट रेड इन कलर, स्पंज ऑफ ईच कार्ट चैन ऑफ हार्ट, या बोल सकते हैं कार्टा चैन ऑफ हार्ट, कार्टा चैन ऑफ हार्ट बोला जा सकता है, फ्लो इज पल्सेटाइल या डार्क रेड इन कलर। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लड फ्लो का करेक्टरिस्टिक्स कौन सा रहेगा जो फ्लो ड्यू टू आर्टरियल ब्लीडिंग के कारण होता है। देखो ब्लड फ्लो का करेक्टरिस्टिक कैसे रहेगा जब आर्टरियल ब्लीडिंग होती है, आर्टरी ब्लीडिंग होगी तो वो आपका ब्राइट रेड कलर की आर्टरीज होती हैं वहाँ से, तो ये तो आर्टरी से ब्लड कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर का स्पंज एट ईच कार्टरा चैन ऑफ द हार्ट्स, हार्ट से भी काफ़ी मात्रा में ब्लड लॉस हो सकता है, फ्लो इज पल्सेटाइल, आपका फ्लो कैसा रहेगा, पल्सेटाइल रहेगा, डार्क रेड इन कलर, डार्क रेड नहीं रहेगा आपका, ब्राइट रेड कलर का ब्लड रहेगा आर्टरियल ब्लीडिंग में, ध्यान रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये करेक्टरिस्टिक है आपके आर्टरियल ब्लीडिंग की, यही तो है क्वेश्चन, आर्टरियल ब्लीडिंग के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है 76 एन एजेंट दैट हैज पावर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा एजेंट है जो पावर रखता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की, तो बैक्टीरियो स्टेट या बैक्टीरियोसाइड या एंटीसेप्टिक या बैक्टीरियो स्टेसिस, या आपके आरआरबी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बैक्टीरियोसाइड इज द पावर रहती है, एक एजेंट की पावर रहती है, बैक्टीरियोसाइड क्या रहता है, एक एजेंट है जो क्या रखता है, पावर रहता है, क्या रहता है पावर करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की पावर रखता है, कौन सा एजेंट, बैक्टीरियोसाइड, इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है। 77 है क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर क्लीनिंग ऑफ वुंड्स, वुंड को क्लीन करने के लिए सेवलॉन की स्ट्रेंथ कितनी रहती है, 1:10 सेवलॉन की स्ट्रेंथ रहती है जो वुंड्स को क्लीन करके रखता है, 1:10। अगला क्वेश्चन है 78 इंफ्लामेशन ऑफ द टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ टंग, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, इंफ्लामेशन ऑफ द टंग ग्लोसाइटिस। अगला क्वेश्चन है 79 फॉलोइंग आर डिस्पोजिंग कोज फॉर बेड सोर एक्सेप्ट, फॉलोइंग आर डिस्पोजिंग कोज फॉर बेड सोर, बेड सोर के कौन कौन से कोज होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लोवर्ड वाइटालिटी, इमासिएशन या एनोरेक्सिया, तो एनोरेक्सिया एक ऐसा कोज नहीं है जो आपकी बेड सोर का कारण होता है, तो इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, बेड सोर से आपका सर्कुलेशन क्या रह सकता है, इम्पेयर रह सकता है, लोवर्ड वाइटालिटी आपके, और लोवर्ड वाइटालिटी रहेगी मतलब वाइटल साइंस आपके लो रहेंगे, और इमेसिएशन की वजह से आपके बेड सोर होने के चांसेस रहेंगे, तो प्री डिस्पोजिंग कोजेज और बेड सोर कौन कौन से हैं, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, लो वाइटल साइंस रहेंगे, इमेसिएशन की प्रोसेस रहेगी, तो एनोरेक्सिया आपकी एक ऐसी प्रोसेस नहीं है, तो ध्यान रखना एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना। आगे बात करते हैं 80 क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू स्लीप इज टर्म्ड एज, तो इनएबिलिटी टू स्लीप सभी को पता है वो प्रोसेस होगी आपकी इंसोमेनिया, इंसोमिया कभी इंसोमेनिया बोला जाता है या इंसोमिया बोला जाता है, यहाँ से आप ओ कर लेना, तो डी आंसर इज द राइट आंसर, इनएबिलिटी टू स्लीप ये टर्म होगी आपकी इंसोमिया की। आगे बात करते हैं 81 टोबैको कंटेंस ए पॉइजनस सबस्टांस कॉल्ड, टोबैको क्या एक पॉइजनस सबस्टांस कंटेंट करके रखता है उसको क्या बोलते हैं, निकोटीन नामक का एक पॉइजनस सबस्टांस होता है टोबैको के अंदर, ध्यान रखना ये किसी को पता नहीं रहता है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना टोबैको कंटेंस ए पॉइजनस सबस्टांस कॉल्ड निकोटीन। आगे बात करते हैं 82 ए डिजीज कोज्ड बाय एलर्जिक डिजीज इज कॉल्ड, तो एलर्जी कौन सी होती है, अस्थमा तो होती है, ए डिजीज कोज्ड बाय एलर्जिक डिजीज इज कॉल्ड अस्थमा। आगे बात करते हैं 83 एन अडल्ट हैज लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी, अडल्ट के अंदर 5 से 6 लीटर्स का ब्लड होता है सभी को पता है,
वहाँ से छः लेटर बी आंसर इज़ द राइट आंसर। एन एडल्ट हैज 5th से 6th लीटर्स ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी के अंदर, 5 से 6 लीटर्स का ब्लड होता है एडल्ट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन है 84, सेवरल पर्संस इन ए टाउन गोट द अटैक ऑफ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर दैट। देखो सेवरल पर्संस, बहुत सारे पर्संस इन ए टाउन, एक टाउन के अंदर गोट द अटैक ऑफ, उनको क्या हो गया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का अटैक आ गया उनके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर दैट, उसका मतलब मेन कारण कौन सा है, किस कारण से एक ही साथ इतने सारे लोगों को ल्यूकेमिया का अटैक हो गया, मतलब ल्यूकेमिया आ गया। अटैक होना एक बोला जाता है कि एक ग्रुप में सारे के सारे लोगों को क्या हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। वो आपकी मेन उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, तो एक्सपोज टू रेडिएशन के वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है। तो इसका मेन कारण ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर नहीं है, स्मोकिंग से नहीं होगा, आपका ब्रीथिंग इन्हीं प्योर नहीं है, तो क्या रहेगा आपका, एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। अगला है 85 क्वेश्चन, द एनर्जी वैल्यू ऑफ इज मोर देन दैट ऑफ अदर्स, एनर्जी वैल्यू क्या रहेगी फैट्स, द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स इज मोर देन अदर्स, एनर्जी आपकी फैट्स की सबसे ज़्यादा रहती हैं दूसरे सारे सब्सटेंस से, फैट्स की, प्रोटीन से, शुगर से, स्टार्च से, सबसे ज़्यादा फैट्स की रहेगी एनर्जी। मतलब 5 से 4 से 5 घंटे तक आपको, अगर आपने फैट सब्सटेंस इंजेस्ट कर दिया, 5 से 6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है 86, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इज कॉल्ड, तो प्रोटीन्स में क्या रहते हैं, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन, जब एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, वो रहेगी आपके प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स। आगे बात करते हैं 87, वुमन हैविंग नॉर्मल लिम्स मे समटाइम्स गिव बर्थ टू बेबीज विद डिफॉर्म्ड लिम्स, दिस मस्ट बी ड्यू टू, देखो वुमन हैविंग नॉर्मल लिम्स, वुमन्स के तो क्या हैं, नॉर्मल लिम्स हैं, मे समटाइम्स कुछ समय गिव्स बर्थ टू बेबीज, कई बार बेबी को बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो कैसा होता है, लिम्स कैसी रहेगी, डिफॉर्म्ड लिम्स रहेगी, दिस मस्ट बी ड्यू टू, किसके कारण होगी, आपके म्यूटेशन के कारण, उसके लिम्स कैसे रहेंगे बच्चे के, डिफॉर्म्ड रहेंगे, डिफॉर्म्ड लिम्स या एक्सट्रीमिटी बोला जा सकता है। 88 है, हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड एट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड, तो ब्लड के द्वारा ही तो हार्मोन्स कैरी होते हैं, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड, तो हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं पूरी की पूरी बॉडी में, पूरी की पूरी बॉडी के पार्ट्स में, तो वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ब्लड्स के द्वारा हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 89, डेफिशिएंसी ऑफ, यहाँ से पूछा गया है क्या आएगा, इन फूड्स कॉजेज सिंपल गोइटर, फूड्स में किसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको गोइटर होगा, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गोइटर होता है, फूड्स में आयोडीन नहीं होगा तो गोइटर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे 100% उस लेडी या हम बोल सकते हैं अडल्ट मेल्स को गोइटर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड कॉजेज सिंपल गोइटर। अगला क्वेश्चन है 90, कॉर्टिसोन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ, कॉर्टिसोन को एक जो ड्रग होती है क्या रहती है, इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कॉर्टिसोन यूज ली जाएगी, ना कभी नहीं, आर्टरी स्क्लेरोसिस के लिए यूज में ली जाती हैं, नहीं कभी नहीं, क्या डायबिटीज़ के लिए यूज में ली जाती हैं, नहीं कभी नहीं, आर्थराइटिस के लिए कॉर्टिसोन यूज ली जाएगी, जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती हैं जो आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए कॉर्टिसोन यूज में ली जाती हैं। 91 है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अडल्ट्स लीड्स टू ए कंडीशन कॉल्ड, अडल्ट के अंदर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होना, वो आपकी प्रोसेस रहेगी मिक्सोडीमा की, माइक्सोडियाडीमा या मिक्सोडीमा ऐसा बोला जाता है, माइक्सोएडीमा या माइक्सोडीमा ऐसा बोला जाता है, ध्यान रखना, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन अडल्ट मिक्सोडीमा। 92 है, द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इज, डिलीवरी के टाइम कौन सा हार्मोन दिया जाता है एक लेडी को, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक लेडी को दिया जाता है जब डिलीवरी का टाइम आए तब, द हार्मोन
that is injected to pregnant woman at the time of delivery, oxytocin. 93 है, the outer layer of the eyeball is, eyeball की सबसे outer layer कौन सी होगी? Conjunctiva. 94 है, the smallest bone in the human body, सभी को पता है stapes is the smallest bones of human body, ये ear में होती हैं. The smallest bone in the human body is stapes. Malus, incus, ये सारी की सारी ये तीनों ears में रहती हैं, मतलब वन ईयर में तीन रहेगी और दूसरे में भी तीन रहेगी, तो छह आपके ईयर्स में बोन्स होती हैं. तो सबसे छोटी कौन सी रहेगी? स्टेपिस रहेगी. मेलस आपके सबसे अंदर की रहेगी और इनकस इसमें मिडल रहेगी. तो स्टेपिस इज द राइट आंसर. द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस. अगला क्वेश्चन है 95. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? स्पाइनल नर्वस एंड ब्रेन, सभी को आता है, लेकिन ये 100 to 1% 90% बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो करेंगे क्या, ब्रेन एंड क्रेनियल नर्व को भी करेंगे और क्रेनियल नर्वस एंड स्पाइनल कोड को भी करेंगे, या स्पाइनल नर्व और ब्रेन को भी कर सकते हैं. तो इसमें क्या रहेगी आपके? ऑप्शन सी रहेगा, द स्पाइनल नर्वस एंड ब्रेन. अगला क्वेश्चन है 96. शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद लेंस. कौन से लेंस को यूज करके, कौन से लेंस के स्पेक्टर्स को यूज करके आपके शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट किया जाएगा? तो कॉनकेव लेंस जो आपके स्पेक्टेकल्स में होंगे उनको यूज करके आपके शॉर्ट साइटेडनेस को ट्रीट किया जाएगा. अगला क्वेश्चन है 97. नॉर्मल शुगर लेवल इन आवर ब्लड, ब्लड के अंदर नॉर्मल शुगर लेवल कितना रहता है? 80 to 120 mg/100 ml आपका नॉर्मल शुगर लेवल रहता है बॉडी का. आगे बात करते हैं 98. लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डेज ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो सभी को पता है 280 days. आगे बात करते हैं 99. साइंस ऑफ ट्रू लेबर आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब ट्रू लेबर पेन के आपको साइन बताने हैं. लेबर पेन, पेन मतलब होगा पेनफुल, रिदमिक यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका, डायलेशन ऑफ द ओएस होगा, फिटल मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, सो परजेंट होगा, ये सारे के सारे हैं. तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिटल मूवमेंट आपके ट्रू लेबर पेन का साइन नहीं है. लास्ट क्वेश्चन है आपका 100. साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर द फॉलोइंग. प्लेसेंटा सेपरेशन के कौन कौन से साइंस हैं? लेंथनिंग ऑफ द कोड एट वल्वा, ये भी है. गस ऑफ ब्लड इज सीन, जब आपका प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो गस ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा आपका, मतलब ब्लड के गुच्छा, मतलब हम बोल सकते हो कि ऐसा ब्लड, ब्राइट रेड कलर का ब्लड होगा, काफ़ी मात्रा में लॉस होगा. क्यों होगा? क्योंकि वो साइन हो रहा है कि प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है. गस ऑफ ब्लड इज सीन और फंडस राइजेज अप टू अम्बिलिकस, और आपका फंडस कहाँ से आ जाएगा? अम्बिलिकस तक आ जाएगा. ये सर के सारे साइंस हैं आपके किसके? प्लेसेंटा सेपरेशन के. और टेम्परेचर राइजेज ये प्लेसेंटा सेपरेशन के कारण नहीं है. लेंथनिंग ऑफ द कोड एट द वल्वा, गस ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइजेज अप टू अम्बिलिकस एट द साइंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. थैंक यू फ्रेंड्स, अपन ने कवर किया आरआरबी के प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको 100 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए. हर सेशन में अपन करेंगे. अब आरआरबी दूर नहीं है, आपके आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जल्दी आने वाले हैं. तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.